अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लव एंड फूड। दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार ये रेसिपी आ रही है जो है फ़िश बिरयानी, और वो भी पर्दा फ़िश बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, मैंने पर्दा फ़िश बिरयानी बनाई है प्रॉन्स एंड पॉमफ्रेट के साथ, और ये बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में बहुत ज़्यादा यमी है। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं हम ये झटपट सी रेसिपी, वो भी बिल्कुल पहली बार यूट्यूब पर। सबसे पहले हम मैरिनेशन रेडी करेंगे फिश के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट हम इसमें डालेंगे, और अब डालेंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, कश्मीरी रेड चिली 1 टेबलस्पून। साथ ही मैं दोस्तों डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के, इससे क्रिस्पी हो जाती है हमारी जो फ़िश है और अंदर से जूसी रहती है, और 1 लेमन का जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अगर थोड़ा पानी की ज़रूरत हो तो पानी भी डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने 500 ग्राम्स प्रॉन्स ले लिया है, इसे अच्छे से मैंने डिवीन करके वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने पॉमफ्रेट के पीसेस कट कर लिए हैं। मैं मिडिल पीस और टेल का पीस ले रही हूँ, जो इसका फ्रंट का फेस वाला पीस होता है हम वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप सुरमई या दूसरी फिश भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मसाले में मैं इसे अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करके हम इसे रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। अब एक वॉक में मैंने ऑयल ले लिया है 5 से 6 टेबलस्पून, इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और अनियन 3 बड़े मैंने स्लाइस करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। दोस्तों इस समय जो मेरे गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल फास्ट पे है, और हमें इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट जो मैंने बनाया है वो 2 टेबलस्पून, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब इसमें हम हमारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून बड़े, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर की मैंने मिक्सी में प्यूरी बना ली थी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सी जाड़ा मोटा चलेगा। इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकने रख देंगे। दोस्तों मसाले पक जाएंगे तो ऑयल हमारा बाहर आ जाएगा। मीनवाइल मैंने दूसरी जगह पे अपने फ़िश फ्राई करने के लिए रख दिए। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये फ़िश फ्राई हो गई है। अब उसी ऑयल में मैं हमारे प्रॉन्स भी फ्राई कर रही हूँ। इसे इस तरह से फ्राई करके डालने से दोस्तों ये ऊपर क्रिस्पी हो जाता है और अंदर बहुत ही जूसी रहता है, इसलिए इसे डायरेक्ट डाल दो तो ये थोड़े से हार्ड भी हो जाते हैं और बहुत छोटे साइज़ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इसे इस तरह से अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, और ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट रहते हैं खाने में। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई कर लिया है। चलिए देखते हैं हमारा मसाला। देखिए मसाला भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी, साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सी धनिया, पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्चें जो हमने स्लिट करके रखी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे प्रॉन्स जो हमने फ्राई कर लिए थे। इसे अच्छे से मिक्स करके बस 1 मिनट और पकाना है ढक के, और फिर हम गैस कर देंगे बंद। मैंने बासमती राइस सोक करके रखे थे, उससे पानी में नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है, और 1 कप मैदे में थोड़ा सी नमक और पानी डाल के मैंने ये आटा गूंद लिया था। दोस्तों जो हमें पर्दा बनाना है उसके लिए हम ये मैदे का आटा यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ा सा लोई ऐसे बना लीजिए, और उसके बाद में हमें रोटी बेलनी है। याद रखिए बहुत ज़्यादा जाड़ी नहीं चाहिए,
और बहुत पतली भी नहीं, एकदम मीडियम साइज़ में चाहिए। और जितना बड़ा आपका बर्तन है, पैन है या कढ़ाई है जिसमें आप ये रखने वाले हैं, बिल्कुल उसके हिसाब से आप थोड़ा सी बड़ा बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से। अब एक योक के अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है चारों साइड में और थोड़ी सी वाइट तिल डाल दी है। अब इसमें हम ये हमारा जो आटा हमने बनाया है इसे फैला देंगे अच्छे से। अब इसमें हमें लेयर्स लगानी है हमारी बिरयानी की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पुदीना और बिरिस्ता डालूँगी। फिर इसमें एक लेयर हम लगाएंगे राइस की। दोस्तों मैंने केसर जो है वो दूध में भिगो लिया था, गरम दूध में, हल्के नीम गरम दूध में। मैं 2 चम्मच वो डाल दूंगी। इससे एक हल्का सी येलो कलर आता है, मैं नॉर्मली सिंथेटिक कलर यूज़ नहीं करती हूँ। साथ ही में मैंने 2 चम्मच काऊ घी डाले हैं। आप चाहे तो कलर सिंथेटिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम हमारा जो मसाला हमने बनाया है प्रॉन्स वाला वो रख देंगे। साथ ही में हम एक एक करके इस पर फिश रख देंगे। ये देखिए दोस्तों ये कितना कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये खाने में बहुत ही लजीज बनता है, इसे ज़रूर अपने घर पे आप ट्राई कीजिएगा। स्पेशली कभी कोई दावत आप किसी की रखते हैं उस टाइम पे ये बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। दोबारा से मैंने इस पर थोड़ा सी मसाला डाल दिया है। अब हम डालेंगे कुछ बिरिस्ता, धनिया और थोड़ा सी पुदीना और थोड़ा सी इसके ऊपर मैं गरम मसाला डाल दूंगी। अब दोबारा से हम इस पर राइस रख देंगे दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। इस पर 2 चम्मच मैं सैफ्रन मिल्क डाल रही हूँ और 2 चम्मच काऊ घी। अब इस पे हम बिरिस्ता रख देंगे थोड़ा से और इस पर्दे को फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे ढक दीजिए। याद रखिए कहीं से भी ये खुला हुआ ना हो, क्योंकि ये इसी के भाप के अंदर पकने वाला है। एक आयरन का तवा जो होता है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे। देखिए ये ऑलमोस्ट गरम हो गया है फास्ट पे। अब इस पे मैं ये वोक को रख दूंगी और गैस मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसे हम ढक देंगे। ढक के एटलीस्ट 10 मिनट हमें इसे पकने देना है। 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब इसी तवे पे हम इसे पलटी करेंगे इस तरह से। बहुत संभाल के कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों ये कितने अच्छे से पक गया है। और बिरयानी का जो मसाला होता है ना उसके साथ में आप ये पर्दे को भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी बनता है ये दोस्तों। तो आपको अगर मेरी डिश पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन गुड बाय।